Good morning, students. This is the test item 1 for PISA from the chapter 3 Fiber to Fabric. The topic of this test item is wool and the carbon cycle. Wool is made from atmospheric carbon. Carbon is a vital building block for life and for many of the products we use every day many textiles and fibers are made from carbon based products but only some such as wool are made from atmospheric carbon in addition wool is naturally biodegradable when disposed of wool acts like a fertilizer by slowing slowly releasing valuable nutrients and carbon back into the soil so this is the paragraph and there are some questions based on this let us discuss one by one question number two फर्स्ट इज नॉट दे कैन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बी प्रूव्ड बाय साइंटिफिक एविडेंस राइट यस और नो वूल इज बायोडिग्रेडेबल यस वी हर स्टडीड इन द पैराग्राफ वूल जो है वो बायोडिग्रेडेबल है मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो इसको डिकम्पोज कर सकते हैं तो वूल जो है यदि मिट्टी में गिरी होगी एनवायरमेंट में धीरे धीरे अपने आप अप खत्म हो जाती है और वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है सॉइल को सो इट इज़ बायोडिग्रेडेबल एंड आंसर इज यस सेकंड द कार्बन इन वूल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स द आंसर इज नो हम पढ़ चुके हैं इस पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन जो है वूल इज मेड फ्रॉम एटमोस्फेरिक कार्बन वूल जो है वो एटमॉस्फेरिक कार्बन से बनती है वूल में जो कार्बन होता है वो फॉसिल फ्यूल से एक्सट्रैक्ट नहीं होता है तो आंसर इज नो नेक्स्ट थर्ड पार्ट वूल कंटेन स्पेशल प्रोटीन कैराटीन विच इज आल्सो प्रेजेंट इन ह्यूमन हेयर आंसर इज आंसर ऑफ दिस थर्ड पार्ट इज यस तो वूल जो है हमें कहाँ से वूल में एक स्पेशल प्रोटीन होता है जो इंसान के बालों में भी होता है तो वूल क्या है एक्चुअल में ये शीप के बाल ही हैं ठीक है तो इसमें एक स्पेशल प्रोटीन होता है कैरेटीन नाम का जो ह्यूमन हेयर में भी प्रेजेंट होता है तो आंसर इज यस तो सेकेंड क्वेश्चन के थ्री ऑप्शन हैं तो फर्स्ट का आंसर यस सेकेंड का नो एंड थर्ड का यस नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डज हेल्प इन रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट ठीक है वूल जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट को रिड्यूस करने में कैसे हेल्प करती है द आंसर इज दिस इज द आंसर थर्ड वन फुल क्रेडिट वूल कैप्चर्स एंड स्टोर्स कार्बन डाइऑक्साइड फॉर ए लॉन्ग पीरियड टिल द गारमेंट इज इन यूज दस रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट वूल जो है वो कैप्चर करती है स्टोर करती है कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर ए लॉन्ग पीरियड टिल द गारमेंट इज़ इन यूज जब तक गारमेंट यूज़ हो रहा है तब तक इतने लंबे टाइम तक जैसे हम वूल के कपड़े जो होते हैं वो काफ़ी टाइम तक यूज़ करते हैं तो तब तक वूल जो है एटमोसफियर से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करती है और स्टोर करती है तो जिससे क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में थोड़ा उसकी परसेंटेज कम हो जाती है और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो रिड्यूस हो जाता है यह थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट फोर्थ वन ऑर्गेनिक कार्बन मेक्स अप फिफ्टी परसेंट ऑफ द वेट ऑफ वूल वेयर डज दिस कार्बन इन वूल कम फ्रॉम बोलता है जो वूल में ऑर्गेनिक कार्बन जो है अप्रोक्सीमेटली फिफ्टी परसेंट होती है ये ऑर्गेनिक कार्बन कहाँ से आती है वूल में वेयर डज दिस कार्बन इन वूल कम फ्रॉम द आंसर इज दिस इज आंसर सी फोर्थ क्वेश्चन प्लांट्स टेक कार्बन फ्रॉम द एटमोसफियर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स होते हैं वो जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो एटमॉस्फेरिक कार्बन को यूज़ करते हैं एंड कन्वर्ट इट इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और उस एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं ड्यूरिंग फोटोसेंसिस ये काम कौन करता है ग्रीन प्लांट्स ठीक है द ऑर्गेनिक कार्बन इन वूल इज डिराइव्ड फ्रॉम द डाइजेशन ऑफ प्लांट मटेरियल बाय शीप शीप जो होती है जिससे हम वूल लेते हैं वो इन प्लांट्स को खा जाती है और उसी के डाइजेशन से वो फिर ऑर्गेनिक कार्बन वूल में मतलब अवेलेबल होती है द ऑर्गेनिक कार्बन इन वूल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम डाइजेशन ऑफ प्लांट मटेरियल बाय द शीप तो जो शीप है ठीक है वो जो प्लांट्स को खाते हैं पत्ते खाते हैं या कुछ और जो प्लांट मटेरियल खाते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं तो फिर उसी में से प्लांट्स में से वो ऑर्गेनिक कार्बन का यूज करते हैं एंड दैट इज बीइंग यूज्ड इन वूल नेक्स्ट क्वेश्चन दिस दिस इज़ लॉन्ग वन शीप इज ए र्यूमिनेंट विच कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक कार्बन इनटू द ग्रीन हाउस गैस मीथेन ड्यूरिंग डाइजेशन दे आल्सो एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वूल प्रोसेसिंग आल्सो रिक्वायर्स फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी विच कॉज पॉल्यूशन वूल इज कंसिडर्ड एज एन ईको फ्रेंडली फाइबर डू यू एग्री और डिस एग्री जस्टिफाई योर आंसर ये पूरा जो पैराग्राफ गिवन है शीप इज ए र्यूमिनंट विच कन्वर्ट्स एटमोसफेरिक कार्बन इंटू ग्रीन हाउस गैस मिथेन ड्यूरिंग डाइजेशन शिव जो है वो एक र्यूमिनंट एनिमल है और वो एटमॉस्फेरिक कार्बन को ग्रीन हाउस गैस मीथेन में कन्वर्ट करती है ड्यूरिंग डाइजेशन दे आल्सो एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड को वो रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में वूल प्रोसेसिंग आल्सो रिक्वायर्स फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी विच कॉजेज पॉल्यूशन तो वूल की जब प्रोसेसिंग करते हैं आप उसको यूज के लिए आप रेडी करते हैं तो उसमें एनर्जी का यूज करते हैं एंड दैट एनर्जी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स तो जिससे पॉल्यूशन होता है वूल इज़ कंसीडर्ड एन इको फ्रेंडली फाइबर वूल को हम एक इको फ्रेंडली फाइबर कंसीडर करते हैं डू यू एग्री और डिसएग्री आप आप इससे सहमत हैं या नहीं जस्टिफाई योर आंसर तो डियर स्टूडेंट्स इसके दोनों आंसर हो सकते हैं आप इसमें एग्री भी कर सकते हैं और डिसग्री भी कर सकते हैं इट डिपेंड्स अपॉन योर एक्सप्लेनेशन, हाउ यू एक्सप्लेन इट लेट सी द आंसर इज दिस वन फॉर एनी वन करेक्ट रिस्पॉन्स तो इसमें एग्री भी है और डिसएग्री भी है फर्स्टली एग्री वुल कैप्चर्स एंड स्टोर ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड तो वुल जो है ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करती है स्टोर करती है दिस इज कॉल्ड कार्बन क्वेंसट्रेशन ठीक है इसे कार्बन सीक्वेंसट्रेशन कहते हैं वूल इज द मोस्ट रीयूज एंड रीसाइकल्ड फाइबर वूल जो है सबसे ज़्यादा रीयूज और रीसाइकल्ड होने वाला फाइबर है तो ये सारा एग्री है आप इससे एग्री कर रहे हैं सो द कार्बन डाइऑक्साइड रिमेन स्टोर्ड इन इट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ठीक है तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है काफी लंबे टाइम तक स्टोर रहती है वूल इज आल्सो बायोडिग्रेडेबल सो इट इज इको फ्रेंडली वूल जो है वो बायोडिग्रेडेबल भी है सो so इसे आप इको फ्रेंडली भी है आपके लिए सो so ये सारी स्टेटमेंट जो है वह करेक्ट है वी एग्री विद इट और यदि आप डिसग्री लिखते हैं देन इट इज शीप रिलीज ग्रीन हाउस गैसेज मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन टू एटमोसफियर ठीक है तो ये दिस स्टेटमेंट इज नॉट राइट द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ वूल आल्सो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड नो दिस इज राइट एक्चुअली शीप लीज रिलीज ग्रीन हाउस गैसेज मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन टू द एटमोसफियर ओके ये जब वो क्या करते हैं ये आपके इस पैराग्राफ में लिखा हुआ था दिस वन शीप इज़ ए र्यूमिनंट विच कन्वर्ट्स एटमोसफेरिक कार्बन इंटू ग्रीन हाउस गैस मीथेन ड्यूरिंग डाइजेशन एंड एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरीशन तो शीप जो है मीथेन गैस को डाइजेशन के टाइम रिलीज करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को रेस्पिरीशन के टाइम रिलीज करती है तो ये दोनों गैसेज शीप जो है एटमोसफेरी एटमॉसफेयर में रिलीज़ करती हैं शीप रिलीज ग्रीन हाउस गैसेज मिथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन टू द एटमोसफियर दैट साइट द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ वूल आल्सो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड दिस इज आल्सो राइट सो वूल इंडस्ट्री दस कंट्रीब्यूट्स टू ग्रीन हाउस इफेक्ट सो वूल इज नॉट इको फ्रेंडली तो आप डिसग्री भी कर सकते हैं उस स्टेटमेंट से तो बोथ आंसर्स आर राइट यू कैन राइट आई एग्री और डिसग्री बट गिव करेक्ट एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट टेस्ट आइटम टेस्ट आइटम नंबर टू वूल नेचर्स मास्टर पीस वुल नेचर्स मास्टर पीस इट मे बी पॉरिंग विद रेन और इवन स्नोइंग बट डिस्पाइट द वेदर यू विल सी शीप इन द फील्ड ठीक है तो बोलता है शीप को आप फील्ड में खेतों में देख सकते हैं कुछ चाहे वेदर कैसा ही है चाहे बारिश हो रही है चाहे बर्फ गिर रही है

वो बारिश में इसको ड्राई रखती है वार्म रखती है बर्फ़ गिर रही है चाहे कुछ भी है तब भी वो गर्म रहती है उसकी बॉडी ठीक है एक बहुत ही अमेजिंग फाइबर है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसके सर्वाइवल के लिए बहुत हेल्प करता है एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ईच ईयर शीप ग्रो ए न्यू फ्लीस मेकिंग वुल ए रीन्यूएबल रिसोर्स बोलता है कि शिव के बॉडी के ऊपर हर साल न्यू फ्लीस फ्लीस क्या है हेयर विद ए वेरी थिन लेयर ऑफ स्किन को फ्लीस बोलते हैं ठीक है शिव के ऊपर जो बाल होते हैं जो बालों को आप काटते हैं तो एक बहुत पतली सी स्किन की एक लेयर भी साथ में उतरती है दैट इज कॉल्ड फ्लीस तो बोलता है हर साल शिव की बॉडी के ऊपर नए नए फ्लीस आती है नए बाल आते हैं ठीक है तो जिससे वूल को आप रीन्यूएबल सोर्स कह सकते हो इट इज ए रीन्यूएबल रिसोर्स वूल इज आल्सो बायोडिग्रेडेबल प्रोवाइडिंग सॉयल न्यूट्रिएंट्स एज इट डिकम्पोज नेचुरली वूल जो है नेचुरली डिकम्पोज हो जाता है और डिकम्पोजिशन से ये सॉइल में न्यूट्रिएंट्स रिलीज करती है तो वूल इज बायोडिग्रेडेबल ओके दीज आर द ये आपको कुछ इमेजेस हैं सी केयरफुली ठीक है सेकंड वन में क्या लिखा है वूल इज नेचुरली ऑर्डर रेजिस्टेंट ये ऑर्डर को स्मेल को अपोज करती है एब्जॉर्ब नहीं करती है क्विकली सॉफ्ट ऑन स्किन ठीक है वूल स्किन के ऊपर बहुत सॉफ्ट रहती है इचिंग नहीं होती इससे खारिश वगैरह नहीं होती रेगुलेट्स एंड इंसुलेट्स द क्रिम्प एंड कर्ल वी सी इन वूल सर्वज ए परपज द ए एयर पॉकेट्स क्रिएटेड गिव्स वूल द एबिलिटी टू एक्ट एज ए नैचुरल इंसुलेटर इसमें जो आप वूल को देखेंगे तो इसमें जो कर्ल्स होते हैं इसमें जो थोड़ा उसके बाल मुड़े हुए होते हैं बीच में गैप होता है उसमें एयर ट्रैप रहती है तो उस एयर के कारण जो है एक नेचुरल इंसुलेटर का, का काम करती है वुल्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्राम द एयर एंड ट्रांसपोर्ट इट अवे फ्राम द बॉडी लीव्स योर स्किन ड्राई एंड कम्फर्टेबल वूल की एक एबिलिटी है वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है एयर से और उसको ट्रांसपोर्ट कर देती है ट्रांसपोर्ट इट अवे फ्राम द बॉडी ठीक है बॉडी से अवे दूर इसको ट्रांसपोर्ट कर देती है रिलीज़ कर देती है जिससे बॉडी ड्राई रहती है स्किन ड्राई रहती है और कंफर्टेबल रहती है व्हेन इट इज़ हॉट एंड ड्राई वूल कीप्स यू कूलर बाय ट्रांसफरिंग मॉइस्चर वेपर अवे फ्रॉम द स्किन एंड अलोइंग इट टू इवेपोरेट तो ये क्या है ये हमें हॉट एटमॉस्फेयर में हमें कूल cool भी रखती है तो ये क्या करती है कि मॉइस्चर को ट्रांसफर कर देती है हमारे स्किन से इवेपोरेट करके एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देती है रिड्यूस बॉडी ऑर्डर वूल्स ब्रीद एबिलिटी एंड एंटी माइक्रोबायल क्वालिटीज रिड्यूस द रिस्क ऑफ योर क्लोथ्स टेकिंग ऑन अनप्लीजेंट बॉडी ऑर्डर ठीक है तो ये हमारे बॉडी ऑर्डर को बॉडी की स्मेल को रिड्यूस करती है इसकी ये है वूल की ब्रीद एबिलिटी उसमें जो छोटे छोटे एयर गैप्स होते हैं जिससे क्या होता है एयर क्रॉस हो जाती है इसमें ठीक है और एंटी माइक्रोबायल क्वालिटी जो है इसकी जिससे क्या होता है रिड्यूस द रिस्क ऑफ योर क्लोथ्स टेकिंग ऑन अनप्लीजेंट बॉडी ऑर्डर तो जो हमारी बॉडी की जो ऑर्डर है जो अनप्लीजेंट है दैट इज़ नॉट गुड तो उसको ये रिड्यूस करने में हेल्प करती है नेक्स्ट हाइपो एलर्जेनिक as wool regulates moist moisture and temperature it is unattractive to dust mites they prefer warmer more humid environments so wool is an ideal fabric for allergy and asthma sufferers what causes इच फ्राम योर वॉर्म विंटर वूल इज मोस्ट लाइकली इट इज सेंसटिविटी टू थकर एंड कोर्सर फाइबर एंडस नॉट ए वूल एलर्जी ठीक है तो ये क्या है एलर्जी को भी रिड्यूस करती है वूल इज़ एन आइडियल फैब्रिक फॉर एलर्जी एंड अस्थमा सफरर्स ठीक है उनके लिए भी ये बहुत अच्छी होती है फायर रजिस्टेंट नेचुरली फ्लेम रजिस्टेंट वूल इज़ हार्डर टू इग्नाइट वूल को इग्नाइट करना जिलाना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है ये फायर को फ्लेम को रजिस्ट करती है रोकती है द टेम्परेचर नीड्स टू रीच ए सीअरिंग फाइव सेवेंटी टू सिक्स हंड्रेड डिग्री सेल्सियस बिफोर वूल विल इग्नाइट तो वूल को इग्नाइट करने के लिए जलाने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए फाइव सेवेंटी टू सिक्स हंड्रेड डिग्री सेल्सियस इफ़ वुल डज कैच ए फायर इट्स स्मोल्डर्स एंड सेल्फ एक्सटिंग एंड क्रूशली डज नॉट मेल्ट ये जल्दी से मेल्ट नहीं होती और ये जल्दी से फायर को कैच नहीं करती और हमें हमारे लिए ज़्यादा बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं है वाटर रिपेलेंट ये वाटर को भी रिपेल करती है देर इज ए गुड रीज़न फिशरमैन ऑफ ओल्ड चूज टू वीयर हैवी नीटड जम्पर्स वेन दे हैडेड आउट टू सी वाटर रजिस्टेंट वुल रिपेल्स मॉइस्चर ड्रॉपलेट्स ठीक है तो बोलते हैं इसको फिशरमैन भी काफ़ी यूज करते हैं क्योंकि तो ये वाटर रजिस्टेंट है वाटर को जल्दी से एबजॉर्ब नहीं करती है इट कैन एब्जॉर्ब अप टू ए थर्ड ऑफ इट्स ऑन वेट इन मॉइस्चर विदाउट फीलिंग वेट तो बोलता है ये अपने वेट का वन थर्ड एब्जॉर्ब कर लेती है फिर भी इसको आप वेट फील नहीं करते हैं दिस इज स्पेशल क्वालिटी ओनली वेन सैचुरेटेड विद थर्टी परसेंट ऑफ इट्स ऑन वेट विल इट फील वेट टू टच यूवी एंड स्टेन रेजिस्टेंट वुल्स वैक्सी कोटिंग प्रोवाइड्स ए प्रोटेक्टिव आउटर लेयर विच मींस स्पिल्स एंड स्पॉर्ट्स आर नॉट ईजिली एब्जॉर्ब्ड एंड आर लेस लाइकली टू लीव इस चेन वूल गारमेंट्स आर ऑल्सो आइडियल एज सन प्रोटेक्शन विद यूवी रेडिएशन बींग एब्जॉर्ब तो इसमें क्या है वूल्स वैक्सी कोटिंग प्रोवाइड्स जो वूल के ऊपर जो एक वैक्सी कोटिंग होती है वो एक टाइप की प्रोटेक्टिव आउटर लेर होती है ठीक है जो हमारे क्या करती है यूवी रेज से हमें सन से जो यूवी रेज आती हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है उनको वो एब्जॉर्ब कर लेती है लॉन्ग लास्टिंग इफ वेल केयर्ड फॉर ए वुलन गारमेंट विल लास्ट ए लॉन्ग लाइफ टाइम यदि आप इसकी केयर करेंगे तो काफ़ी लंबे टाइम तक आप इसको रख सकते हैं ए वूल फाइबर कैन बैंड एन इनक्रेडिबल ट्वेंटी थाउजेंड टाइम्स बिफोर इट ब्रेक्स तो बोलता है आप इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं ट्वेंटी थाउजेंड टाइम्स आप उसको बेंड कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग जैसे कि आप कोई वायर लो उसको बार बार आप बेंड करोगे तो वो कुछ टाइम बाद टूट जाएगी तो बोलता है वूल के फाइबर को आप ट्वेंटी थाउजेंड टाइम्स बैंड कर सकते हैं तब जाके ये ब्रेक होती है नेचुरली इलास्टिक वूल कीप्स इट्स शेप सो योर गारमेंट्स विल कंटिन्यू टू लुक गुड इलास्टिक नेचर की है तो इसलिए आपके जो गारमेंट्स होते हैं वो काफ़ी लंबे टाइम तक वो अच्छे रहते हैं वो खराब नहीं होते हैं दीज आर द क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन यू एस आर्मी इज रिसर्चिंग ऑन डिज़ाइनिंग वुलन क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट कॉम्बैट ट्रूप्स फ्रॉम एक्सप्लोजिव ब्लास्ट विच क्वालिटी ऑफ वूल वुड बी बेनिफिशियल हेयर तो बोलता है इस यू एस आर्मी अमेरिकन आर्मी जो है इसके ऊपर रिसर्च कर रही है वुलन क्लोथ्स के ऊपर तो जिससे क्या होता है कि जो जब भी कोई एक्सप्लोजिव एक्सप्लोजन हो जाता है तो उनकी जो सोल्जर्स हैं ट्रूप्स हैं उनको वो प्रोटेक्ट कर सके तो वूल की कौन सी क्वालिटी जो है इसमें इस एक्सप्लोजन से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है तो देर आर फोर ऑप्शनस वूल इज़ वाटर रिपेलेंट नो वूल इज़ एनवायरमेंटली सस्टेनेबल नो वूल इज़ फायर रेजिस्टेंट दिस इज आंसर वूल जो है वो फायर रेजिस्टेंट है और इसको ये जल्दी से आग नहीं पकड़ती है इसको बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए ठीक है फाइव सेवेंटी टू सिक्स हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तो दिस इज आंसर सी कैन द फॉलोइंग बी प्रूवड बाई साइंटिफिक एविडेंस राइट येस और नो तो ये आपके पास थ्री क्वेश्चन हैं थ्री पार्ट्स हैं आपने सिर्फ यस और नो से आंसर देना है वुल इज़ ए प्लांट फाइबर यस और नो नो इज जो है वो हमें एनिमल से मिलती है प्लांट से नहीं मिलती तो आंसर इज नो वूल इज वूल इज ए रीन्यूएबल रिसोर्स जो है वो एक रीन्यूएबल रिसोर्स है तो यस एंड वुलन क्लोथ कॉज मैनी एलर्जीज वुलन क्लोथ से बोलता कई टाइप की एलर्जीज हो जाती हैं तो नो no. तो so इसका आंसर आएगा पहला आएगा नो देन यस देन नो लेट्स चेक Second question, no, yes, no. Okay, these are the answers. Second, no, first, A is no, second is yes, and third is no. Question number three, wool is a great choice for outdoor and exercise gear. Give two reasons for this. Bolta hai, outdoor activities, ke liye, exercise, ke liye, wool is a choice. Hai. इसके रीजन बताने हैं आपने कोई भी टू रीजन्स तो आंसर इज सी हेयर क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर फर्स्ट वन वूल एब्जॉर्ब्स लार्ज क्वांटिटीज ऑफ मॉइस्चर वेपर एंड अलाउज इट टू इवेपोरेट ठीक है वो मॉइस्चर्स को एब्जॉर्ब कर लेती है और इवेपोरेट हो जाती है इससे हमारी बॉडी कूल cool रहती है वूल इज़ ब्रीदेबल वूल जो है वो ब्रीदेबल है उसमें से एयर जो है ट्रैप होती है तो उससे हम काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं सेकेंड इज वुल इज ऑर्डर रेजिस्टेंट ये ऑर्डर रेजिस्टेंट है तो ये बॉडी के जो हमारी स्मेल होती है उसको जल्दी से मतलब आप इसको फील नहीं करते हैं तो ऑर्डर रेजिस्टेंट है तो दीज आंसर्स यू कैन राइट नेक्स्ट वन फोर्थ क्वेश्चन बेडाउनिंग इन द सहारा डेजर्ट वी थिन वूल क्लोदिंग टू कीप देम कूल इन द स्क्राउचिंग हीट हाउ डज वुल हेल्प इन कीपिंग दम कूल सहारा डेजर्ट्स के जो लोग हैं बोलता है कि बहुत पतली थिन लेयर के क्लोथ्स वूल से बने हुए क्लोथ्स का यूज करते हैं क्योंकि वो उनको कूल रखती है हाउ लेट्स सी द आंसर फोर्थ वन वूल ट्रांसफर्स मॉइस्चर वेपर अवे फ्रॉम द स्किन अलॉइंग इट टू इवेपोरेट सो इट कीप्स द पर्सन कूलर इन समर वूल क्या करती है ट्रांसफर्स मॉइस्चर वेपर अवे फ्रॉम द स्किन ठीक है स्किन से मॉइस्चर को ट्रांसफर कर देती है अवे फ्रॉम द स्किन सॉरी allowing it to evaporate so it keeps the person cooler in the summer तो इससे क्या होता है person जो है वो अपने आप को ठंडा feel करता है ठंडक feel करता है वो क्या करती है moisture को absorb करके evaporate हो जाती है और वो खुद surface जो है वो ठंडा हो जाता है जैसे for example मान लो कि बाहर फर्श है गर्मी के दिनों में बहुत गर्म हो गया आप, आप उसके ऊपर पानी डालते हैं तो क्या होता है वो जो गर्म फर्श है उस पानी उसकी फ़र्श की जो हीट से पानी मॉइस्चर में उसमें वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स इवेपोरेट हो जाते हैं और फर्श ठंडा हो जाता है इन द सिमिलर मैनर जो वूल जो है हमारी बॉडी को ठंडा रखती है नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन मेंशन टू डिसएडवांटेजेस ऑफ वूल वूल की कोई आपने टू डिसएडवांटेजेस बतानी है क्या है ये लिखे थ्री डिसएडवांटेजेस हैं यू कैन राइट एनी टू वूल इज एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव होती है वूल इतना सस्ता नहीं है इट श्रिंक्स इजिली ये बहुत जल्दी श्रिंक हो जाती है ठीक है ये भी इसकी डिसएडवाटेज है नेक्स्ट वुलन गारमेंट्स नीड लॉट ऑफ केयर एंड ड्राई क्लीनिंग इसकी थोड़ी सी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है इसको ड्राई क्लीन करना पड़ता है नॉर्मली आप इसको वॉश नहीं कर सकते ठीक है दीज आर द डिसडवाटेज यू कैन राइट एनी टू दिस इज़ द Test item number three. It is based on silk. Just read it carefully and try to answer these questions. Okay, this is. There are four questions and answers are also given. Just you can read the paragraph carefully and you can try to answer these questions. Otherwise, you can ask later on if you have any problem. Thank you. Have a nice day.